किस राशि के व्यक्ति को सावन के पहले सोमवार में आने वाला समय कैसे रहेगा और किस पूजा की सामग्री से शिव जी की आप पूजा करेंगे तो अधिक फलदायी होगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मानसिक और शारीरिक कष्ट का अनुभव हो सकता है आपको, पारिवारिक कलह बढ़ सकती है, संयम आपको रखना पड़ेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में यश, कीर्ति और मान प्रतिष्ठा मिलेगी। मित्रों संबंधियों से लाभ के योग है। कार्य क्षेत्र में फोकस की जरूरत है क्योंकि उसके द्वारा ही आपके लिए उन्नति के मार्ग खुलने वाले हैं। आर्थिक समृद्धि के शुभ संयोग बनेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति की आपको मदद मिल सकती है जिनकी आर्थिक मामलों में पकड़ अच्छी है। परिवार में वृद्धि के संयोग बन रहे हैं। इस सप्ताह यात्राओं को अवॉइड करें और इस राशि के व्यक्ति जल में गुड़ मिला करके अगर शिव जी का अभिषेक करते हैं, शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बना करके शिव जी को भोग लगाते हैं, लाल रंग का चंदन और कनेर के फूल शिव जी को चढ़ाते हैं तो ये अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। वृषभ राशि, नौकरी में पदोन्नति मिलने के चांसेस हैं। आर्थिक समृद्धि तो रहेगी लेकिन आपको अपेक्षाओं से कम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई खबर ऐसी है जो आपके लिए परेशानियां बढ़ा सकती है। किसी युवा को लेकर के चिंताएं आपके जीवन में अधिक बढ़ सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत में बहुत ही सुकून आप महसूस करेंगे। कार्य सिद्धि के लिए बढ़िया समय है आपके लिए। आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। मन की कामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली है। अगर आप कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत ही उत्तम है। आपकी राशि के लोगों के लिए दही से शिव जी का अभिषेक विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इसके अलावा चावल, सफेद चंदन, सफेद फूल और अक्षत और चावल आपको शिव जी पे चढ़ाना चाहिए। मिथुन राशि वालों की, कार्य क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट के बारे में आप प्लान कर सकते हैं और उसी के साथ पुराने अनुभवों को निचोड़कर आप फैसला लेंगे। आर्थिक मामलों में आपकी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, मगर आपको अपनी काम की पूरी प्लानिंग के साथ करना होगा। भविष्य को लेके इस मामले में कुछ ठोस कदम आप उठा सकते हैं। उत्तम स्त्री का सुख मिलेगा, शुभ प्रसंग का आयोजन होगा, जीवन आपके लिए एक सेलिब्रेशन के जैसा हो जाएगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में आंखों का ख्याल रखें, कष्ट हो सकता है, मानसिक चिंताएं हो सकती है, कोर्ट कचहरी के कामों में दिक्कत आने के योग दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सकारात्मकता अपनी बनाए रखनी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय करने आपको, सिर्फ गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें और अन्य पूजा सामग्री में थोड़े से मूंग, थोड़ी सी दुर्बा और थोड़ी सी कुशा अर्पित करें, ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। बात कर लेते दोस्तों कर्क राशि वालों की। नए निवेश की वजह से व्यय अधिक हो सकता है। खर्चों पर कंट्रोल रखें, गुस्से को काबू में रखें, नहीं तो इसकी वजह से बहुत बड़ी आर्थिक हानि आपको हो सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने निर्णय पर अडिग रहें, तभी वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में लापरवाही की वजह से आपको कष्ट हो सकता है, सावधानी से समय बिताएं। किसी भी प्रकार के नए कार्य का प्रारंभ एक बार सोच समझ करके करें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खान पान में विशेष आपके लिए ध्यान रखना आपके लिए हितकर है। शारीरिक रूप से थकान, मानसिक रूप से व्याकुलता का अनुभव आप कर सकते हैं। अपनी अस्वस्थता और व्यग्रता का अनुभव आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। शरीर में थकान और आलस, मन में अशांति, ये सभी आपके व्यवहार को चिड़चिड़ा बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको संतोष रखना है। न्यायपूर्णता लाने का प्रयास करें, निर्धारित समय पर कार्य को कंप्लीट करने का प्रयास करें, धार्मिक यात्राएं करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव भक्त जो हैं वो घी से भगवान विष्णु का अभिषेक करें, साथ ही कच्चा दूध और सफेद आंकड़े का फूल और शंख पुष्पी आपको चढ़ानी चाहिए। सिंह राशि की, आज का दिन आपको सावधानी से बिताना चाहिए। किसी भी प्रकार के नए कार्य आपको प्रारंभ नहीं करने हैं। स्वास्थ्य बिगड़ने के योग हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। शारीरिक रूप से थकान और मानसिक रूप से व्याकुल अनुभव कर सकते हैं। आर्थिक वृद्धि के लिए हालांकि शुभ संयोग बन रहे हैं, किन्हीं भी दो निवेश जो आपने किए हुए हैं उनमें फायदे के योग दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। यात्राओं में साधारण सफलता मिलेगी। परिवार के धीरे धीरे प्रगति होते दिखने के चांसेस दिख रहे हैं। अपने मन की आवाज को सुनकर किसी भी निर्णय पर पहुंचे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी नई चीज को सीखने की तमन्ना आपके अंदर जागृत हो सकती है और इस राशि के व्यक्ति को गुड़ के जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। गुड़ और चावल से बनी हुई खीर का भोग शिव जी को लगाएं और मदार के फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए जबरदस्त उपाय हो सकता है।
कन्या राशि वालों की कार्य क्षेत्र में अपने पिछले कुछ वक्त से आपने बहुत मेहनत की और इस सप्ताह उन सब का शुभ परिणाम मिलने के योग दिख रहे हैं। जीवन में वृद्धि के शुभ संयोग बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में किए गए वादे इस सप्ताह पूर्ण नहीं होंगे। किसी प्रॉपर्टी में इस सप्ताह निवेश के बारे में आप सोच रहे हैं, सोच के करें, समझ के करें। यात्राओं में सफलता मिलेगी एवं किसी ऐसे व्यक्ति से आपको इस संबंध में मदद मिल सकती है जिन्होंने मेहनत कर समाज में एक मुकाम हासिल किया हो। आपका दिन अच्छे से बीतेगा, घर में शांति आनंद का वातावरण रहेगा और जो भी कार्य करेंगे उसमें यश की प्राप्ति होगी। घर में परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों को नौकरी में लाभ के योग दिख रहे हैं। महिला मित्रों से हुई भेंट से मन प्रसन्न होगा। इस राशि के व्यक्ति को गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिव जी को भांग चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, पान चढ़ाएं, ये जबरदस्त लाभकारी हो सकते हैं। तुला राशि वालों की कार्य क्षेत्र में अधिक फायदा होने के चांसेस है। जीवन में उन्नति के अवसर खुल रहे हैं। अपने पिछले अनुभवों को निचोड़कर नए प्रोजेक्ट को आप प्लान करेंगे। आर्थिक व्यय यानी खर्चा आपका आय से अधिक होने के चांसेस है। संतोष करके ढंग से खर्च करें। परिवार के सदस्य आपकी मदद करने के लिए आतुर रहेंगे एवं उनके सानिध्य में सुखद अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। कानून के मामलों में विजय आपको मिलेगी। आज आप अधिक कल्पनाशील बनेंगे। प्रिय व्यक्ति के साथ हुई भेंट शुभ होगी और दिन भर मन आपका प्रसन्न रहने वाला है। संतान अगर है आपकी तो उसकी प्रगति के समाचार मिल सकते हैं। मित्रों के साथ मिलन होगा, खासकर स्त्री मित्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आज आपके द्वारा परोपकार का कार्य हो सकता है। इस राशि के जातकों को इत्र, सुगंधित तेल, इन चीजों से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और दही, शहद और श्रीखंड का प्रसाद लगाना चाहिए। सफेद फूल भी पूजा में आप शिव जी को अर्पित करें, ये आपके लिए जबरदस्त उपाय हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता है। कई परेशानियों के कारण मन व्याकुल रह सकता है। स्फूर्ति का अभाव रहेगा, थोड़ी आलस्य ज्यादा रहेगी। अपनों के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। मां की स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। जमीन हो, मकान हो, इनके दस्तावेज आपको संभाल कर रखने चाहिए। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार मिल सकता है और युवा वर्ग की सोच पर अमल करेंगे तो ज्यादा वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में थोड़ी सी व्यापक सोच रखें, तभी तरक्की हो सकती है और इस सप्ताह की गई यात्राएं अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आ सकती है। सप्ताह के अंत में जीवन में प्रगति के लिए एक बैलेंस बनाकर चलें। पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शीघ्र फल देने वाला माना जाता है। साथ ही लाल रंग का फूल भी शिव जी को जरूर चढ़ाएं। धनु राशि वाली, साधारण लाभ के साथ दिन है। व्यर्थ के खर्च पर रोक लगाएं। परिवार में झगड़ा ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। नकारात्मक मानसिकता को अपने जीवन से हटाएं। अनैतिक प्रवृत्तियों से आप थोड़ी से पास आ रहे हैं, उनसे दूर हो जाएं। नए प्रोजेक्ट आपके लिए शुभ परिणाम लाएंगे। जीवन में उन्नति आपकी अवश्य होगी। आर्थिक वृद्धि के शुभ संयोग बन रहे हैं और इस मामले में आप थोड़ा सा पार्टी मूड में भी जा सकते हैं। इस सप्ताह की गई यात्राओं द्वारा आपको अच्छी सफलता मिलेगी। किसी बीमारी की वजह से खर्च अधिक रहेगा और इस राशि के जातक को दूध में हल्दी मिला करके शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। भगवान को चने के आटे और मिश्री से मिठाई तैयार करके भोग लगाएं। पीले या गेंदे के फूल पूजा में अर्पित करें। मकर राशि दोस्तों, आप शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि वाले थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। ऐसे भी जो चंद्र ग्रहण गया है इसका असर आपके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा है। आज आप निर्धारित कार्य कर सकेंगे। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। धार्मिक यात्राएं संभव है। स्वजनों से मिलने पर मन में आनंद रहेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें वृद्धि के योग दिख रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कम रखें। आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास आपको आने वाले वक्त में मदद करेंगे। हालांकि अभी थोड़ी कठिनाइयां होंगी, लेकिन आने वाला समय अभी मेहनत कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। परिवार में मेंबर बनने के योग बन रहे हैं आपके। इस सप्ताह की गई यात्राओं द्वारा आपके लिए शुभ परिणाम आते जाएंगे। सप्ताह के अंत में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने से उन्नति होगी। नारियल के पानी से आपको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को ये विशेष फल देता है। साथ ही साथ उड़द की दाल से तैयार की हुई मिठाई का भोग भगवान को लगाएं। नीले कमल के फूल आप भगवान को चढ़ाएं, ये आपके लिए जबरदस्त लाभदायक हो सकते हैं।
कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वाले इस सप्ताह संयम और सूझबूझ से निर्णय लें तो ये आपके लिए ज्यादा फलदायी हो सकता है। यात्राओं को करने के लिए आपको अवसर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन यात्राओं के रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेंगे। जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी कमजोर हो सकती है। खर्च आप ज्यादा करते हैं, खर्च पे नियंत्रण रखें। कार्य क्षेत्र में आपको धोखा खाने के योग बन रहे हैं, बच के रहें। आज के दिन आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यावसायिक कार्यों में सहकारी हस्तक्षेप पड़ेगा, खर्च आपका सामान्य से अधिक रहेगा। धार्मिक हो, सामाजिक कार्य हो, इनमें आपकी व्यस्तता बढ़ने के योग दिख रहे हैं। आपके जो पुत्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपके साथ अनबन हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अधिक परिश्रम करने पर ही आपको सफलता मिलेगी, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि समय आपके अनुकूल नहीं है। आपको तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, उड़द से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं और शमी के फूल से शिव जी को अर्पित करने से आपके लिए बेस्ट होगा, ये आपकी शनि पीड़ा को भी कम करेगा। बात कर लेते मीन राशि वालों की, नए निवेश आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आ सकते हैं। आपका समय बहुत अच्छा है, जीवन में वृद्धि के शुभ संयोग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। कहीं से कोई पॉजिटिव खबर आपको इस संबंध में मिल सकती है। इस सप्ताह यात्राओं को अवॉइड करें, कहीं से धोखा मिल सकता है। इस राशि के लिए आपका हर दिन उत्तम है। उच्च पदाधिकारियों की कृपा दृष्टि के कारण प्रसन्नता भरा समय आने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी। पिता और बड़े बुजुर्गों से लाभ की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी माता की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। आपको दूध या जल के साथ गुड़, घी, शहद और लाल चंदन शिव जी को चढ़ाना चाहिए।